गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर चैप्टर डिस्टर्बिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज रिटन बाय ए आर विलियम्स एंड दिस बुक फॉर द कैस्पर ग्रे स्टडी अक्रॉस एरिडिटी रिजरक्शन फिनरी ट्रेजर्स सर्कमेंटेड कंप्यूटिव टोमोग्राफी एंड फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन. वी विल गो थ्रू दीज वर्ड्स एंड मीनिंग्स एंड द फ्रेजेस विद द चैप्टर. ही वॉज just a teenager. It is a story about a king who was died in very early years of his age. So he was just a teenager when he died, the last heir of powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest later with gold and eventually forgotten. Wo ek teenager ki teenage mein tha, like before of his age 18. जब वो मर गया वो बहुत पावरफुल फैमिली से था जिन्होंने सदियों तक इजिप्ट में राज किया और उसके साथ बहुत सारा गोल्ड और भी बहुत सारा जो उसका सामान था वो रख दिया गया और लोग उसको भूल गए. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम विद मर्डर द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. 1922 में जब से उसकी टॉम की जब से उसकी कब्र की डिस्कवरी स्टार्ट की कि वो कैसे मरा था तो उस टाइम ये अंदाजा लगाया गया कि शायद से वो अपने नेचुरल डेथ ना होकर एक मर्डर था. ठीक है. नाउ लीविंग दिस हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 इयर्स टूट वाज अंडरगोन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ and provides precise data for an accurate forensic reconstruction or the boy's prayer. अब 80 years के बाद अगेन उसकी skeleton system को निकाला गया और उसको CT scan करवाया गया और forensic reconstruction के according की सहायता से उनके skeleton को study करके उनके face को reconstruction किया गया. इस technique को हम बोलते हैं forensic reconstruction. When we read or we analyze the skeleton system of a dead body, dead person, and we try to make a face to that body, this technique is known as forensic reconstruction. Did you get me? Yes, sir. Okay. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. एक जगह थी वैली ऑफ किंग्स जहाँ पे उनके डेड बॉडीज को दफनाया जाता था. जिस टाइम उनको सीटी स्कैन के बाद निकाला गया उनके स्केलेटन सिस्टम को उस समय एक बहुत गुस्सैल हवा थी जो ऊपर से होकर गुजरी पर ऐसा लगा कि डस्ट डेविल्स एज द किंग टूट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस जैसे उनको अपने रेस्टिंग प्लेस से हिलाने के लिए उन्होंने हम पर गुस्सा किया. Dark buried clouds has scudded across. Scudded across means moving quickly. उसी समय उस जगह के ऊपर से dark clouds वो एकदम से move किए. Scudded quickly and it was 6 PM on January 5, 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this. Little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. First time 5 जनवरी 2005 का जो दिन था शाम के 6 बज रहे थे उस समय एक ऐसा ऐतिहासिक ये इवेंट था कि 3,300 ईयर पहले मरे हुए इंसान की मम्मी को वहाँ से निकाला गया और उसको सीटी स्कैन कराया गया ताकि उसकी मर्डर मिस्ट्री को समझा जा सके. ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉकर टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स. दिन के टाइम में टूरिस्ट जो थे वो आते थे और उस रॉकर टॉम मतलब रॉक से कटकर उसका वो जगह बनाई गई थी जहाँ उनको दफनाया गया था जो 26 फीट गहरी थी वहाँ आते थे टूरिस्ट उसको देखने के लिए एंड पे देयर ट्रिब्यूट टू दैट हियर ऑफ द हिस्ट्री मिस्ट्री. दे गेज द
murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's delighted face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from the guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering Tut's ultimate untimely death in his teens, or wondering with a shiver if the Farah curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him, was really true. So, सारा दोपहर तक जहाँ से भी लोग आते थे, टूरिस्ट आते थे, वो उसको देखते थे और अपने ट्रिब्यूट्स उस मम्मी को देते थे. और उस जो उस एरिया में उसकी जो राजा की पिक्स लगी हुई थी, जो कि बाद में लगाई गई थी जब सिटी स्कैन हुआ, जब फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन से उसका फेस बनाया गया, उनको देखते थे और ऐसा लगता था कि कितना गोल्ड उनको चढ़ाया था उस टाइम. और उसको वो देखते थे और जिस उसका जो मम्मी का ऊपर जो कवर था दे रखा, उसके ऊपर वो सब चीज़ें अंकित की हुई थी, दिखाई देती थी उस मम्मी के उसके अंदर क्या क्या है. और कुछ लोगों ने तो इस चीज़ को बुक्स में पढ़ा था, कुछ लोगों ने इसको सुना था. जिन्होंने बुक्स में पढ़ा था वो अपने बात करते भी थे कि देखो कितनी छोटी एज में चला गया, एक्सपायर हो गया या मर गया या कुछ भी. और कुछ कहते थे कि ये एक कर्स होता है कि इतनी छोटी सी एज में चले जाना. और ऐसे लोगों जो लोग होते हैं जो बहुत छोटी एज में चले जाते हैं, वो दुनिया में अपनी आत्माओं के साथ लोगों को परेशान करते हैं. ऐसा जैसे कहा जाता है कि उस कल्चर में, जिस कल्चर में वो जो टूट था इजिप्ट में जहाँ रहते थे या जहाँ वो मरा, उनके कल्चर में ऐसा कहा जाता था कि द पीपल हु डेड बिफोर देयर एक्चुअल डेथ देयर स्पिरिट्स मेक एंग्रेज द अदर पीपल लिविंग इन दैट एरिया. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he learned over the body for a long first look. Carter Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. जो इसमें ज़ही हवास हैं वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट हैं, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज से, और जो उनके जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था 1922 में इसको, इस टूट की बॉडी को, ये टूट की मम्मी को, आफ्टर ए वेरी फ्यूटाइल सर्च, बहुत लॉन्ग और बहुत डीप रिसर्च उन्होंने इसके बारे में की थी. क्या थे ये आर्कियोलॉजिस्ट? आपको पता है only archaeologists are permitted to have such studies underground. और उन्होंने इसको discover किया था. Its contents, though hastily re-snagged in the antiquity, were surprisingly complete. जल्दी जल्दी में जो भी content मिला उसको इकट्ठा कर लिया गया. They remained the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legion. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday things he would want to the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. Jo bhi is टूट की मकबर के साथ जो कुछ भी रखा गया था उसमें, जो कि चीज़ें उसके साथ कैस्कट ग्रे में, यानी कि एक बॉक्स में जो उनके साथ उनकी मनपसंद चीज़ें रखी गई थी, उनमें उनके गोल्ड ज्वेलरी भी थी, उनमें उनकी जो रिकार्नेशन वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है कि फिर आत्मा दोबारा से उन्हीं चीज़ों के साथ पैदा होती है, तो वो सारा सामान रखा गया था जिसकी वजह से इसका टॉम हमेशा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था. और जो डेली काम आने वाली चीज़ें हैं रूटीन में, जो हमें नहाने धोने के टाइम, अपने बेदिंग के टाइम चाहिए हैं, वो सब सामान भी वहाँ पे उसके साथ रखा गया था. तो आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर्स, फ्यूनरी ट्रेजर्स मीन्स वट एवर देवर कट द थिंग्स विद हिम, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग his three nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned
with garlands of willow and olive leaves, wild calary lotus petals and contours that the faded evidence of her burial in March or April. When he finally reached the mummy, though, he ran into trouble. The ritual reasons had hardened, cementing to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later, what was to be done? जब बहुत महीनों तक फराउन, जिसको हम जो मरे हुए लोग होते हैं उनको हमारे यहाँ आत्मा बोलते हैं, वहाँ इजिप्ट में उसको फराउन बोलते हैं, कि जब इतनी डिस्कवरीज की गई और उसमें एक के बाद एक, कार्टर जो था आर्कियोलॉजिस्ट, उसने एक के बाद एक डिस्कवरी की, ढूंढने की कोशिश की, और जब इस तरह से एक ताबूत, उसके बाद दूसरा कॉफिन, उसके बाद तीसरा कॉफिन, तो उसने पाया कि जो उनका अपना कॉफिन था वो गोल्ड का था, जिसके अंदर जो थी ऑलिव ऑयल के पत्तों के साथ ढका हुआ था, और उसमें वेजिटेबल्स, कॉर्नफ्लोर्स, ये सब सामान था, और इस बात को प्रूव करता था कि ही वाज डाइड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल अकॉर्डिंग टू द थिंग्स विच वर फाउंड विद दैट टॉम्ब. तो उसको उन्होंने कहा कि अभी तक तो ये था कि सब चीज़ें वो थी जो नेचर ने बताया, और नेचर के साथ उन चीज़ों से पता लग गया कि हम जान सके थे कि वो मार्च या अप्रैल के महीने में मरा. पर जो उसका मेल वो था, टॉम्ब था जो गोल्ड का बना हुआ था, उस गोल्ड के टॉम्ब को हिलाने के लिए भी बहुत समय लग गया. इतना भारी वो टॉम्ब था कि जैसा सीमेंट का टॉम्ब होता है ऐसा. और उस कार्टर ने बाद में ये भी लिखा कि इसका क्या किया जाना था, मतलब कि इतना हैवी टॉम्ब बनाने की ज़रूरत क्या थी, व्हाट वाज द बेनिफिट, व्हाट वाज इट्स यूज, कि हमने इतना सारा सामान इसके साथ रखा भी और इतना हैवी उसको किया, उसको क्या किया जाना था. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर फॉर हिज साउथ फॉर साउथ इजिप्ट. And Carter tried to use it to loosen the resins. For several hours, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Nothing budged. He reported with scientific detachment the consolidated material had to be chiseled away from the bones, the limbs and the trunk before it was possible to raise the king's remains. उन्होंने कहा कि जैसे हैमर का अटैक होता है, इस तरह से साउथ इजिप्ट में सन वाज टू देयर टू मेक हिज वीक हिम वीक. तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने उस मम्मी को निकाला और 149 डिग्री फारेनहाइट पे उसको बाहर रख दिया और गर्म किया, तब भी वो मम्मी में कुछ भी उसमें मूवमेंट नहीं हुई, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हुए. फिर भी उन्होंने इसमें लिखा कि इतने हार्ड चीज़ को इससे पहले अगर राजा के साथ उठाना होता तो फिर भी संभव होता, अदरवाइज जो भी उन्होंने सामान उसमें से छेड़ा, उस टॉम्ब में से जो भी सामान किया, वो हैमर का यूज़ करने के बाद ही हो सका. इट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट चैप्टर, प्लीज़ रीड इट एट होम एंड हैव राइट डू राइट द difficult words with meanings and if possible the sentences also. It will increase your vocabulary, how to use the difficult words in your daily life conversation. And if you have any problem, we will see again tomorrow, same time, same place. Thank you so much.